हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ 20 क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप एम्स की बात कर लो, DSSB, GMCH, CHO, NHM, ठीक है, और आने वाला जो एग्ज़ाम है झारखंड सब सिलेक्शन, ठीक है, JSSC रिम्स का जो एग्ज़ाम है रांची का, वो 20 जुलाई के आसपास का कुछ रखा गया है दोस्तों। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बनाए हैं। 20 क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड है, और कम्युनिटी हेल्थ का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। वीडियो में स्टार्ट कर लेती हूँ दोस्तों, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है फॉर द एजुकेशन ऑफ मीजल्स, ठीक है, इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एट लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, जिसमें कि लिखा है 80, 85, 96 और 100। तो इसका राइट आंसर भी सामने ही लिखा है दोस्तों, 85% है। 85% एटलीस्ट बोला गया है कि इम्यूनाइजेशन कवरेज होना चाहिए मीजल्स का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स, ठीक है, जब किसी बच्चे को या पेशेंट को मम्स हो जाता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी मतलब इन्फेक्शन की जो पीक पीरियड होता है वो कब मैक्सिमम होता है, ठीक है। चार ऑप्शन है जिसमें से कि एक है इनक्यूबेशन पीरियड, सेकेंड इज ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, थर्ड इज आफ्टर स्वेलिंग अपीयर्स, एंड फोर्थ है प्रोड्रोमल पीरियड। जो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, पहले नंबर का है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे जो मम्स का मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, ठीक है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर एट द इंटरवल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया जो मेजर एपिडेमिक होता है इन्फ्लुएंजा ए का वो कितने इंटरवल पे देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर बी दे रखा है, जैसा कि आपको लिखा है दूसरे से तीसरे साल के इंटरवल पे है यहाँ पे मेजर एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा ए का देखा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आ रही है, यहाँ पर बोला गया है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द डिफ्थेरिया, यहाँ पर बोला गया है जो डिफ्थेरिया हमारा इन्फेक्शन होता है तो डिफ्थेरिया इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है, कौन सा ऐसा सोर्स है कॉमनली देखा जाता है जिससे डिफ्थेरिया फैलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सोर्स देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ए है केस, सेकंड है सब क्लिनिकल केस, एंड थर्ड है कैरियर, ठीक है, ये सोर्स होते हैं डिफ्थेरिया इन्फेक्शन के। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेती हूँ, शिक टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है, और आपको पता है ये जो शिक टेस्ट है काफ़ी कॉमनली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे चार ऑप्शन है, मेनिंजाइटिस, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में आंसर ए लिखा हुआ है, बट इसके लिए माफ़ी मांगूंगी दोस्तों, क्योंकि जैसा आप सभी को काफ़ी लोगों को पता है ये शिक टेस्ट डिफ्थेरिया के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है, डिफ्थेरिया के टाइम पे शिक टेस्ट किया जाता है। आपको ये मोस्ट कॉमनली एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों, इसका राइट आंसर है डिफ्थेरिया के लिए किया जाता है शिक टेस्ट, ओके। यहाँ पे पूछा गया है एडजुवेंट प्रेजेंट इन DPT वैक्सीन, यहाँ पे बोला गया है कि DPT वैक्सीन में कौन सा एडजुवेंट प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बाय मिस्टेक आ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे थे, यहाँ पे मैं माफ़ी मांगूंगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ ये है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, DPT में जो एडजुवेंट यूज़ करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, रिकमेंडेड साइट जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स में जो DPT हम देते हैं वो देते हैं लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई में देते हैं हम लोग, ठीक है, DPT। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8,
द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन. मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? डीपीटी के किसी कंपोनेंट से बेबी को डीपीटी दिया उसके बाद ऐसी कौन सी मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. ठीक है, सॉरी मैंने क्वेश्चन आपको गलत बताया है. बात यह है, इसमें यह पूछा गया है डीपीटी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, तो वो होता है एडजुवेंट. ठीक है, वैक्सीन में जो एडजुवेंट होता है उसकी वजह से बहुत सीवियर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दोस्तों. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलती हूँ. द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडल ईस्ट इज. ठीक है, वो कौन सी वैक्सीन है जो कि मिडल ईस्ट के पिलग्रिम्स में लोगों को लगाई जाती है? वो है येलो फीवर. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा महामारी के रूप में देखी जाती है येलो फीवर, इसलिए ही वहाँ पे ये वैक्सीन दी जाती है. ठीक है, एंड अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट द केस लोड ऑफ टीबी इन अ कम्युनिटी. ठीक है, जो इंडेक्स हमें एस्टिमेट करना होता है टीबी के केस को क्या नाम है रजिस्टर करने के लिए कम्युनिटी में, उसका राइट मेथड ये होता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज़. जितने भी इंसिडेंट्स आते हैं डिजीज़ के उसे रिपोर्ट करना होता है, जिससे कि हमें पता होता है कि जिससे कि हम इंडेक्स निकाल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. द प्रिवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन कम्युनिटी. जो टीबी इन्फेक्शन द प्रिवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाई. ठीक है, राइट आंसर है ट्यूबरकुलिन टेस्ट. ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं टीबी इन्फेक्शन का कम्युनिटी में, जो कि बहुत ईजी मैथड है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर यह पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में. क्वेश्चन नंबर 12 पर चल देते हैं. हाँ, जो अमाउंट ऑफ पीपीटी यूज़ होता है हमारे मॉन्टॉक टेस्ट में. ठीक है, तो ये आपको पता होगा मॉन्टॉक टेस्ट को जो इंजेक्शन होता है. ठीक है, मॉन्टॉक्स जो टेस्ट करते हैं उसमें पीपीटी में हम उन्हें मानते हैं. ठीक है, मेजरिंग यूनिट है 1 TU. ठीक है, 1 TU बोलेंगे ऐसे हम. ठीक, एंड अब यहाँ पे है रिजल्ट ऑफ मॉन्टॉक्स टेस्ट. अब मॉन्टॉक टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट कब रीड करते हैं? ठीक है, 48 आवर्स बाद. 48 आवर्स में हम मॉन्टॉक टेस्ट को रीड करते हैं. ठीक है, अब है प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइड एज. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इस वक्त अब जो BCG की वैक्सीन होती है उसे हम कैसे सप्लाई करते हैं? ठीक है, कैसे करते हैं? फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है. ठीक है, ड्राई वैक्सीन होती है जिसे हम डाइल्यूट करना पड़ता है हमें. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है. द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग BCG वैक्सीन. ठीक है, BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूट लेना पड़ता है? तो हम यहाँ पे लिखा नॉर्मल सलाइन. ठीक है, नॉर्मल सलाइन से ही डाइल्यूट करते हैं हम BCG की वैक्सीन को. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब कि BCG की वैक्सीन को जब हम डाइल्यूट करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसे हम कब तक यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, एक बार खोलने के बाद डाइल्यूट करने के बाद उसे हम 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 6 घंटे के बाद उसे हमें फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लिखा गया है. द एज फॉर द BCG वैक्सीनेशन इज़ रिकमेंडेड एट. यहाँ पर लिखा कि जो BCG की जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए रिकमेंडेड एज होती है वो है ऑप्शन ए बर्थ. एक तो बर्थ पे लगाते हैं, अगर बर्थ पे नहीं लग पाई तो 6 वीक तक लगा सकते हैं हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. एट द विलेज लेवल. विलेज लेवल पे क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है विलेज लेवल में जो स्प्यूटम होता है फॉर AFB इज़ कलेक्टेड एंड फिक्स्ड बाई. ठीक है, विलेज लेवल पे क्या होता है? AFB टीबी के टेस्ट होता है. ठीक है, टीबी के टेस्ट के लिए एसिड फास्ट बेसिलाई उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है और फिक्स किया जाता है? तो ये काम आंगनवाड़ी वर्कर करती है. ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर का काम होता है ये करना. ठीक है, सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन. यहाँ पे पूछा गया है जो पोलियो की इन्फेक्शन होता है उसका मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? तो यहाँ पे है कैरियर. ठीक है, कैरियर इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20 एंड नॉट द लास्ट. ठीक है, नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है. जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको करवाए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है जिनको बहुत ही ज़्यादा छाट कर बनाया गया है कम्युनिटी के लेवल पे. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो वो इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कैसे? IM इंजेक्शन देते वक्त, टॉन्सिलेक्टमी करते वक्त, DPT का इंजेक्शन लगाते वक्त. ठीक है, तीनों में. तो इसलिए आंसर है डी. ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर. अब मैंने क्वेश्चन 20 पूरे कर दिए हैं. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों. ठीक है,
और भी वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए या कोई प्रिपरेशन करनी है उससे रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको वीडियो बना दूँगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप मुझे। थैंक यू सो मच, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।